कोविड का नया स्ट्रेन देश के 5 राज्यों में एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। ऐसे में महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार, मेला प्रशासन सचेत हो गया है। दरअसल 1 अप्रैल से हरिद्वार महाकुंभ 2021 शुरू होने जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए कुंभ के लिए जारी SOP के तहत कुंभ स्नान के लिए पंजीकरण और कोविड जाँच रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। कुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ संतों के लिए भी पंजीकरण और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। 11 मार्च को सन्यासी अखाड़े शाही स्नान करेंगे। मार्च में धर्मध्वज स्थापना के साथ अखाड़ों की पेशवाई भी निकलेगी। कुंभ स्नान के लिए अखाड़ों के संत और नागा सन्यासी हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये सन्यासी अखाड़ों की छावनियों में ठहरेंगे। कुंभ की अधिसूचना जारी होने के साथ संतों और श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण में 72 घंटे पहले की कोविड RT-PCR रिपोर्ट लाना जरूरी होगी। छावनियों में ठहरने वाले सभी संतों की कोविड की एंटीजन जांच की जाएगी। कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन का ध्यान रखना जरूरी होगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम सुरक्षा नियमों के पालन के लिए संतों को जागरूक भी करेगी।